हेलो गाइस, एशटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओल्ड कंप्रेसर जो ख़राब हुआ है और एक न्यू कंप्रेसर के टर्मिनल चेक करेंगे और एक कैसे ख़राब हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये देखेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि तीन टर्मिनल, एक जो नीचे और दो ऊपर हैं। इसमें कॉमन स्टार्ट रन भी फाइंड आउट करेंगे और रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे, लेकिन ये जो मोटर है सही है या ख़राब है टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी पे डाल दिया है किलोमीटर को, और तीन और दो को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, क्लाइमेटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ऑफ दिखा रहा है। अभी हम वन एंड टू को चेक करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी कुछ रीडिंग नहीं शो कर रहा है, इसमें भी जीरो दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। अभी हम वन एंड थ्री को चेक करेंगे। देखें अभी वन एंड थ्री को कनेक्ट कर दिया है। और इसमें हमें रीडिंग दिखा रहा है 3.5 3.4, मीन्स हमारी इसमें एक ही वाइंडिंग सही है, बाकी की दोनों वाइंडिंग जो है ख़राब हो चुके हैं। और टर्मिनल को बॉडी के साथ भी चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई कंटिन्यूटी नहीं है। कंप्रेसर ख़राब हो चुका है मगर बॉडी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एक टर्मिनल को बॉडी के साथ कनेक्ट करके देख रहा हूं, तो कोई रीडिंग्स नहीं दिखा रहा है। अभी हमें नया जो कंप्रेसर है डेनफोर्स का, इसको चेक करेंगे। ये देखिए SC21G इसका मॉडल नंबर है, 220-240 वोल्ट का है ये, और R134 इसका रेफ्रिजरेंट है। ये जो इसका कैप कवर जो है इसको निकालेंगे। जैसे कि कवर निकाल दिया है, आप देखिए, आप तीन टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, नीचे वाला और ऊपर दो, तो आप इसको कंसीडर कीजिए। नीचे वाला टर्मिनल को वन नंबर, ऊपर वाला जो है टू नंबर, और साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला तीन नंबर, इस तरह कंसीडर कर लीजिए। क्योंकि आपको कॉमन कौन सा है, स्टार्ट कौन सा है, रन कौन सा है पता नहीं है, इस वजह से आपको 1 2 3 नंबरिंग करके आइडेंटिफाई करना है। देखिए अभी क्लाइमेटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाला है और कनेक्ट कर दिया है। 3 एंड 2 टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। देखिए कनेक्ट किया है और हमें इसमें 16.6 रीडिंग दिखा रहे हैं, 16.6 ओम्स रेजिस्टेंस है ये। अब हम टर्मिनल 1 एंड 2 को चेक करेंगे। देखिए 13.2 दिखा रहा है।
अभी हम टर्मिनल 1 और 3 को चेक करेंगे। देखिए 3.5 दिखा रहा है, 3.5 ओम्स है, रेजिस्टेंस में है ये। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आएगा वो जो टर्मिनल्स होंगे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, उससे कम वाला रेजिस्टेंस जो आएगा वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और सबसे कम जो रेजिस्टेंस आएगा वो है रनिंग वाइंडिंग। इस तरह से आप कॉमन स्टार्ट रन वाइंडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ टर्मिनल को बॉडी के साथ भी चेक कर रहा हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, और कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट है आपका ज़रूर कमेंट कीजिए, जैसे कि मैं मेरी वीडियो को और अच्छी तरह से आपको दिखा सकूं। अब इसमें सबसे नीचे वाला जो है कॉमन है, जो राइट साइड में है वो स्टार्टिंग है और जो लेफ़्ट साइड में है वो रनिंग वाइंडिंग है।